हेलो फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कर जो क्लास टी रही है हमारो 10th क्लास प्ला मानकर जो ओडिया रो मान छे, आज आपन मानको गुडे प्रैक्टिस सेट जहा कि वेरी सिमिलर टेस्ट रहइबो आपन मानको जो एसए टू एग्जाम आछि आपको भी एग्जाम पई एथि एभला जो क्वेश्चन किछ आसीबो। तो पिला माने आज कर जो 53 क्वेश्चन को आपन प्रथम अटेम्प्ट करबे, देन मोरन से सहित मैच करबे और लास्ट मते जणाइबे जे आउट ऑफ 50 आपन केते स्कोर करले। तो डेरी न करी चालंतु स्टार्ट करबा क्लास टी को। तो देखो प्रथम क्वेश्चन रही है आम देश में भाषा समस्या कहला मात्रे लोके कौन बुझंती। तो ऑप्शन अच्छे देखो इंग्रेजी और ओडिया भाषा मध्य विवाद, हिंदी और इंग्रेजी भाषा मध्य विवाद, ओडिया और हिंदी भाषा मध्य विवाद, ना हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषा मध्य विवाद। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, जोटा कि हिंदी और इंग्रेजी भाषा मध्य विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देखो भाषा संपर्क में महात्मा गांधी मत कौन थी, केन्द्र भाषा इंग्राजी हे और राज्य गुड़िकर राज्यभाषा हे से आंचलिक भाषा, ना केन्द्र भाषा हिंदी और राज्य गुड़िकर भाषा हे इंग्राजी, ना केन्द्र भाषा हिंदी और राज्य गुड़िकर भाषा हे से आंचलिक भाषा, ना क्योंटी नुहे। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी, जोटा कि केन्द्र भाषा हम कौन आम हिंदी, बाकी जो राज्य गुड़िकर भाषा हे कौन ना से आंचलिक भाषा। नेक्स्ट अच्छे देखो नरेन्द्र को प्रबंधिक क्यों भाव में उपस्थापन कर संसार बैरागी सन्यासी, ना दृढ़ मना वीर पुरुष, शक्तिशाली योद्धा, ना दुर्बल असहाय। राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी, जोड़ा कि दृढ़ मना वीर पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट अच्छे देखो निम्नलिखित मध्य क्योंटी फकीर मोहन का प्राथमिक अवदान थिला, ऑप्शन अच्छे उपनिषद अनुवाद, महाभारत अनुवाद, ना वेदर अनुवाद, ना रामायण अनुवाद। राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी, जोड़ा कि वेदर अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे निजक प्रकाश करने सब सहज और स्वाभाविक माध्यम टी कौन, मातृभाषा, शिक्षा, ज्ञान, ना अभिज्ञता। राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए, जोड़ा कि आमर मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी इंग्रेज शासक मैंने क्या बल में जनता को दूर से रखी थे, इंग्रेजी बल ना शासन बल ना प्रताप बल ना अत्याचार। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी, जोड़ा कि प्रताप बल। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे किए कन्या बेश देवदेव महादेव प्रतीक्षार रही, भक्त माने, ना जगत जननी, ना जात्री माने, ना महिला माने। तो करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी, जोड़ा कि जगत जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, नेक्स्ट अच्छे विवेकानंद आमेरिकार क्या पाखक चिठी लिखी, महीशूर महाराजा पाखक, स्वामी सदानंद पाखक, ना रामकृष्ण नंद पाखक, ना स्वामी सुधानंद पाखक। तो राइट आंसर है जो जोटा कि हमरा ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि महीशूर महाराजा को निकट को। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देखो उत्कलमणि क्यों अमिलन कृति आज प्रति ओडिया मार्गदर्शन करुच्छे, कारा कविता, धर्मपद, समाज, ना गो महात्म्य। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी, जोटा कि समाज। नेक्स्ट अच्छे आर्तवल्लभ महांती क्यों प्राचीन साहित्यपति को नूतन जीवन देते, लावण्यवती, रसकल्लोल, अहल्या, ना विदग्ध चिंतामणि। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी, जोड़ा कि अहल्या। नेक्स्ट अच्छे सीता राजलक्ष्मी हृदहार बोली किए कही, उषा, तमसा, ना अनुकंपा, ना वाल्मीकि। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी, जोड़ा कि तमसा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी केतेबेले क्रंदनर परिसमाप्ति हे, बंधन राजी छिन्न होगापर, ना बंधन राजी को स्वागत करने, समस्त मुहर हस फुटी उठिले, ना विषाद भाव चली जावा। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि बंधन राजी छिन्न होगापर। नेक्स्ट अच्छे नवजुगर तरुण मान स्यंदन कौन सब चूर्ण करवि वर्णना कर, पुण्यर पर्वत, दुखर पर्वत, पीड़नर पर्वत, ना पापर पर्वत। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी, जोटा कि पीड़नर पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वंशह माटी कविता मध्य कवि मनुष्यर क्यों चेतना को जगृत करने आह्वान दे, राजनैतिक चेतना, ना मानवीय चेतना, ना दिव्य चेतना, ना क्योंटी नुहे। तो राइट आंसर हूँ जोटा कि आमर ऑप्शन नंबर सी, जोड़ा कि दिव्य चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देखो माटी मार अंतर आदेश बल कवि कौन घोषी चली, माटी मार महाजश, माटी मार अपजश, माटी मार सुकर्म, ना माटी मार कुकर्म। राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि माटी मार महाजश। नेक्स्ट अच्छे आश्रम कौलिया पत्र गुड़ी कवि क्या सहित तुलना कर, निहार सह, मुक्ता सह, उषादेवी हाथ सह, ना पल्लव सह। राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी, जोटा कि उषादेवी हाथ सह।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तमसा को क्यों गात्री बोली कुहा जाए छी पवित्र गात्री आविक गात्री निर्मल गात्री ना सूक्ष्म गात्री राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि निर्मल गात्री। नेक्स्ट अच्छी आश्रम रे प्रभात काल रे क्यों शब्द समस्त मन में शांति और तृप्ति भरी दिए जनकोलाहल मुनिमुख निसृत वेदध्वनि ना भ्रमरर गुण गुण शब्द ना पक्षी मानक कलरव राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जोटा कि मुनिमुख निसृत वेदध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन ची कवि अनंत पटनायक तांको कवितारे काहार जयगान करिछंती मानववादर गणतंत्रर राजतंत्रर ना समाजर राइट आंसर होउछ ऑप्शन नंबर ए जोटा कि मानववादर ए हिजो आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छी माटी माँ सबु दोषको क्षमा करिदिए काहीँकि से सर्वसह बोली ना से निज सन्तान मने करि ना दयाशीला हेतु ना कमल प्राणा हेतु राइट आंसर होउछ ऑप्शन नंबर बी जोटा कि निज सन्तान मने करि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट अच्छी देखु हरिगुड़िया चाड़िया कांथ क्यों या इटारे मटीरे तालपत्र ना झाटी मटी राइट आंसर होउछ ऑप्शन नंबर डी जोटा कि झाटी मटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देखु नटवर बाबू गाँव को जीवा समय कौन पिंधि जाते फतेई पंजाबी फुल सार्ट ना सुट सार्ट तो राइट आंसर होउछ ऑप्शन नंबर सी जोटा कि पंजाबी पिंधिकी जाते छी 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 ए काल कथा आ तुंडरे धरना एक कथा किए कही मधु तिड़ी रवि गुड़िया हरी गुड़िया ना बंधु षडंगी तो रईट आंसर ये अप्सन नंबर बी जोड़ा कि हरी गुड़िया कही रईट आंसर कौन हो गला ना अप्सन नंबर बी हिजर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छे नटवर बाबू शिशु मन में क्या सुखने रखार दृढ़ प्रतिज्ञा थी बो को पा मान को निज को ना पर रईट आंसर होप्शन नंबर ए जोटा कि बो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी नटवर बाबू बो विधवा होगा बेलू केर्ष होता दुई वर्ष पांच वर्ष सात वर्ष ना आठ वर्ष राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि पांच वर्ष। नेक्स्ट अच्छी विश्व महाराणा केते वर्ष धरी घर ठार दूरे चौदह वर्ष काल कोड़े वर्ष काल बार वर्ष काल ना आठ वर्ष काल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि बार वर्ष काल। नेक्स्ट अच्छी देखु छामु सौंदर्यर पुजारिया कथा किए कही मंत्री सिवेई सांतरा सेनापति ना सामंत तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी जोड़ा कि सिवेई सांतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी राजा नरसिंह देव तांकर केउ कथा जीवन सारा अपसरा रही जो बोली कहिथिले छायादेवी कथा माँ को शेष इच्छा ना निज प्रतिज्ञा कथा ना चंद्रभागारे सूर्योदय कथा तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि चंद्रभागारे सूर्योदय कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट अच्छी सूर्य मंदिर निर्माण निम्ते कहार शेष इच्छा थिला राजांकर ना छाया महादेवींकर ना नरसिंह देवंकर ना प्रजांकर तो करेक्ट आंसर है जो आमर छाया देवींकर ऑप्शन बी है जो आमर राइट आंसर। नेक्स्ट अच्छी किए नरसिंह देवंकर अत्यंत विश्वासी थिले सिवेई छाया महादेवी विश्व महाराणा ना केही भी नथिले राइट आंसर है जो जोड़ा कि सिवेई ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखंतु बलराम दासंक दांडी रामायण क्यों वृत्तरे रचित तो आसला ग्रामर पार्ट देखु पे निश्चित करूँ तो ऑप्शन ए आसला गुजरी देन अच्छी दांडी वृत्त ना विभास केदार ना चखी तो राइट आंसर होमर ऑप्शन नंबर सी जोटा कि दांडी वृत्त रचित ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छी देखु प्रचेता प्रबल प्रासाद रही नील निरुअबा फुटी बाहर एठार क्यों अलंकार अनुप्रास जमक श्लेष ना उत्प्रेक्षा तो पिलामाने निश्चित कहतु देखते ये अच्छे अबा अच्छी अबा अच्छी मैंने कौन होटा उत्प्रेक्षा बाचक अबाटा हूँ उत्प्रेक्षा बाचक जोटा कि सत्य कि सीना सत्य अबा कि बा बोधे तो राइट आंसर हो गला ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देखो बाबू नाकसिरी दान यज्ञ जेसा को यही पादर थिबा श्रेष्ठ पदटी बाछ ऑप्शन अच्छी नाकसिरी ओ दान नाकसिरी ओ जसा दान ओ यज्ञ ना नाकसिरी ओ यज्ञ तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि नाकसिरी ओ दान। नेक्स्ट अच्छे जहाँ द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुतिमधुर हुए ताक कि अलंकार कहुए अनुप्रास शब्दालंकार जमक ना अर्थालंकार तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर जोटा कि कौन सी जोटा कि शब्द सरस सुंदर हुए मीन शब्दालंकार राइट आंसर हो गला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अच्छी दांडीभूत छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते कोड़े नौ बार ना असमान तो राइट आंसर हो जोटा कि ऑप्शन नंबर डी जोटा कि असमान कहीं कही दांड हूँ असमान तो दांडीभूत हूँ असमान कोड़िया तो आम किए बंगलाश्री बार हूँ नटवाणी विभास केदार
ବାକି ନ ରହିଲା ଆମର ଗୁଜ ଗୁଜରି ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରି ତାର ସବୁ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର କି, ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚକ୍ଷୀ, ଗୁଜରି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ନା ନଟବାଣୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରତିପାଦ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ଅଛି, 20 ଆମର କାହାର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ନଟବାଣୀ ତ ଆମର 12, ଗୁଜରି ତ ଆମର 9, ବାକି ଚକ୍ଷୀ ତ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଦରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, କେଉଁଠି ଉପମାବାଚକ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଉପମାବାଚକ ସତେ, ଯଥା, କିବା ନା ଅବା। ଏ ଯେଉଁ ସତେ, କିବା, ଅବା ଏସବୁ କ'ଣ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ? ବାକି ଉପମାବାଚକ କିଏ ନା ପରିସରି ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ ଜହ୍ନେ ଜସନ ଯଥା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଯଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି, ଏଠାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଳେଷ, ଯମକ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁପ୍ରାସ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଏଠି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଅନୁପ୍ରାସ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ରାବଣ ନିକଟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଡେସ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସୀତାଙ୍କ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅରଣ୍ୟ ରଦନ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶ କୁସୁମ କପାଳ ଲିଖନ ଫଟାକଳା ଏସବୁ ହବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅରଣ୍ୟ ରଦନ ମିନ୍ସ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, କପାଳ ଖୋଲିବା ନା କାମରେ ହାତ ଦେବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ସିଂହ ପରି ଜୁଝିବା, ଏହା କି ପ୍ରକାରର ରୂଢ଼ି? କ୍ରିୟାହୀନ, ସାଧାରଣ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ସିଂହ ପରି, ପରି ଦେଇଛି ମାନେ ତୁଳନା, ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ହେଇଟା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା, ଏହି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ନା ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା ନା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ନା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ନିଜ ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତରେ, ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୋକବାଣୀଟି ଲେଖ। ଜାନ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ଚର ମନ ଚର ଗଣ୍ଠିଲିରେ, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ନା କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଜୋର ଯାର ମୂଲକ ତାର ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଜୋର ଥିବା ଲୋକ ମୂଲକର ଅଧିକାରୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ, ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ଟାଣ ନା ନିଜେ ସମର୍ଥ ହେବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚକ୍ଷୀ, ଶଙ୍କରାଭରଣ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ନା ବିଭାସ କେଦାର। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ବିଭାସ କେଦାର ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ 20, ବିଭାସ କେଦାର ତ କ'ଣ 12। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଶଙ୍କରାଭରଣ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ଯେଉଁଟାକି ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତାର କେତେ ନା 8। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଛନ୍ଦ, ବୃତ, ଛାନ୍ଦ ନା ବୃତ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ଛାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିଟି ବାଛି ଲେଖ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, କପାଳ ଫାଟିବା, ଆବଳଦ ମତେ ଭିନ୍ନା, ପବନ ପରି ଧାଇଁବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ତୁଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ କେଉଁ ପଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ନା ଉପମାକାରକ ପଦ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଉପମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ? ଉପମା, ବ୍ୟତିରେକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ରୂପକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଭେଦ। ଆମର ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଆମର ନା ରୂପକ ହେଇଯାଏ, ଅଭେଦ ଆରୋପ ହେଲେ ରୂପକ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ବରଜୀବର ସେ ଦେଇମାନସ, ବରଜୀବର ଦେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଳେଷ, ଯମକ ନା ଉପମା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଟା କେଉଁଟା? ବରଜୀବର ସେ ଦେଇମାନସ, ବରଜୀବର ସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯାଉଛି। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିକାର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଜିକାର 50ରୁ ଆପଣ କେତେ ରଖିଲେ ମୋତେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ବାକି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।